छत्तीसगढ़ बालोद जिला लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कुंवारदल्ली गांव जहां मिडिल स्कूल छठवीं से आठवीं तक के है 29 बच्चों की दर्ज संख्या है। एक ही प्रधान पाठक के भरोसे पर स्कूल चल रहा है। आज स्कूल खुले 15 से 20 दिन हो गया, लेकिन विभागीय कामों के कारण से टीचर के द्वारा एक भी दिन बच्चों का क्लास नहीं लिया गया है। मैं जब से यहाँ आया हूँ 2005 से मैं अकेला ही हूँ। बीच में एक दो शिक्षक आए, वो भी चले गए। उसके बाद से पिछले 28 जून से हमारे यहाँ हेडमास्टर थे मिस्टर डी आर ध्रुव, वो वित्तीय निमित्तक कारण से सस्पेंड है। और साथ में थे मेरे साथ में श्री के एल देशमुख सर जी, है ना, वो भी अभी बीमारी से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो मेडिकल में हैं। और यहाँ पे अब मैं चूंकि एक शिक्षक हूँ, इस कारण से समस्याएँ तो बहुत है। और अभी तक से मैं स्कूल खुले 16 जून हो गया, लेकिन अभी तक से मैं तीनों क्लास में आज तक से एक पीरियड नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कागजी कार्रवाई है, दस्तावेजीकरण है, और जैसे कि संकुल में काम हो जाता है डाक वगैरह पहुँचाने के कारण से बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए कल की बात है, कल छात्रवृत्ति वितरण के लिए ले गया था मैं रिंगा डबरी, तो अब छठी वाले को तो मैं स्कूल में बैठा नहीं सकता, इसलिए छुट्टी देना पड़ा। और सातवीं और आठवीं वाले को लेकर मैं छात्रवृत्ति वितरण करने के लिए गया था। अब आप एक शिक्षक के भरोसे बताइए ना क्या करेंगे, आपको बच्चों को भी पढ़ाना है, आपको मीटिंग भी अटेंड करना है, आपको डाक की जानकारी भी देना है, नया सत्र चालू है तो बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी हो गया आपका, है ना, गणवेश संबंधी जानकारी हो गया, मध्यान्ह भोजन संबंधी जानकारी हो गया, तो ये सब क्या है जानकारी एक शिक्षक कैसे हैंडल करे। सर आपका परिचय दीजिए। जी मेरा नाम है योगेश्वर सिंह ठाकुर, प्रभारी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खुदाई दल्ली। मेरा नाम युवराज और मेरे स्कूल में एक ही टीचर है और वो ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं और वो पढ़ाने नहीं आ सकते। पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ? नहीं, अकेला है ना कि मास्टर अकेला है, इसलिए पढ़ाई नहीं होता। पिछले 10 सालों से मिडिल स्कूल के स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति में चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रहा है। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ इंडिया अनहर्ट के लिए।